नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक किस और एक मंत्री की कुर्सी चली गई। एक किस जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया। कहां का मामला है बता देते हैं आपको। ब्रिटेन की हम बात कर रही हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक की कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उसके बाद प्रेशर इतना बढ़ा, चाहे जनता का ले लीजिए या फिर विपक्षी पार्टियों का ले लीजिए, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया है। बहुत जब उन पर दबाव बना तो आखिरकार मैट हैनकॉक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री का इस तरीके से जाना बोरिस जॉनसन सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि वहां की जनता भी इस बात को जानती है, बोरिस सरकार इस बात को जानती है कि स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छा काम कोरोना काल में किया है, लेकिन निजी कारणों की वजह से उन पर दबाव बनाया गया। पहले तो मैट हैनकॉक भी तैयार नहीं थे इस्तीफा देने के लिए, लेकिन जब प्रेशर उन पर बढ़ा तो फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें 42 साल उम्र है हैनकॉक की, और जॉनसन को जो उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है, हमने महामारी से लड़ने के लिए एक देश के रूप में बहुत मेहनत की है। आपको ये भी बता दें ब्रिटेन का एक अखबार है द सन, उसमें मैट हैनकॉक की कुछ तस्वीरें छपी थी और उसके बाद ही ये पूरा जो दबाव है उन पर बनता चला गया। हालांकि हैनकॉक ने शुरुआत में इस्तीफा देने से मना कर दिया था, कहा था कि ये पूरा मामला ठंडा हो गया है, मैंने माफी मांग ली है, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ था। अब जाहिर तौर पर जॉनसन सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मंत्री का व्यवहार सही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि हैनकॉक ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, उनके लिए ये जो सजा है ये होनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बताया ये भी जा रहा है कि बोरिस जॉनसन सरकार जो है वो लगातार पिछले कई वक्त से विवादों में बनी हुई है, और उनके मंत्री का किस की वजह से, निजी तस्वीरों की वजह से इस्तीफा देना एक बार फिर से उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये जो खबर है ये अब पूरी दुनिया में फैल गई है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब नया स्वास्थ्य मंत्री कौन होगा, किसे नियुक्त किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि बोरिस जॉनसन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन हाँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका उनके लिए है। आप बताइए इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं। निजी तस्वीरें सार्वजनिक होने पर, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगने पर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार के लिए ये बड़ा झटका है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?